नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। ये जो शेयर था बहुत तगड़ा, इसमें तेज़ी बनी हुई थी, लगातार इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। लेकिन एक बहुत ज़्यादा तेज़ी आने के बाद जो शुगर का बूम चल रहा था उसमें जो उसने तेज़ी दिखाई थी, क्योंकि आपको पता है कि जब शुगर का बूम चल रहा था उस टाइम पर जितने भी शुगर के शेयर थे, मैं बात करूँ श्री रेणुका शुगर की, बजाज हिंदुस्तान शुगर की, या KM शुगर मिल्स की, या राणा शुगर, हर शेयर बहुत तेज़ी से भाग रहा था। लगातार हर शेयर में तेज़ी बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही शुगर का बूम थमता हुआ दिखाई दिया, मैंने आपको बोला ही था कि इसमें अब गिरावट का समय बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, वैसा ही हुआ और गिरावट इसमें आई और काफ़ी दिन इसमें लोअर सर्किट भी लगा रहा। तो अब जो है इसमें दोबारा से तेज़ी आना शुरू हो गई है। तो अब ये तेज़ी कहाँ तक जाने वाली है, इस कंपनी के क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, इस कंपनी का क्या भविष्य है, यदि आपको इस कंपनी में निवेश करना है तो क्या कंपनी में निवेश करना सेफ है कि नहीं, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इसके आगे के क्या टारगेट्स हैं, क्या लेवल्स हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो हम सबसे पहले चल के देखते हैं कि इसमें आज के दिन कैसा क्या हालचाल चल रहा है। तो इसमें देखें अभी ऑलमोस्ट 25 पैसे 20 पैसे के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि 1.31% के आसपास की तेज़ी है। अभी ये 19 रुपये 45 पैसे के आसपास पर ट्रेड कर रहा है। बार बार इसमें जो है सर्किट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, अपर सर्किट लगता है, लेकिन दोबारा से इसमें जो है बार बार इसमें सर्किट टूट रहा है, मतलब कि ऊपर नीचे का इसका माहौल अभी चल रहा है। आज के दिन 1 वीक का इसका हाल देख रहे हैं, 1 वीक में ऑलमोस्ट 2.30 रुपये की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि 3.45% के आसपास की इसमें तेज़ी मिली है। कल के दिन और आज के दिन लगातार 2 दिन इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। 1 मंथ का इसका हाल देखें तो 1 मंथ में ऑलमोस्ट 95 पैसे की इसमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि 4.67% के आसपास की गिरावट इसमें मिली है एक हाफ अपना एक महीने की अगर बात करूँ तो। 6 महीने का इसका हाल देखें तो 6 महीने में 189.55% इसके रिटर्न हैं, ऑलमोस्ट 12.70 रुपये की इसमें तेज़ी आई है 6 महीने अगर मैं बात करूँ तो। 1 ईयर का इसका हाल देखें तो 1 ईयर में 240% इसके रिटर्न रहे हैं, जो कि 13.70 रुपये की तेज़ी को दिखा रहा है। इसमें अच्छी खासी जो है तेज़ी देखने को 1 ईयर में मिली है। ये कंपनी बहुत तगड़ी हुआ करती थी, बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस जो था हुआ करता था पहले समय में। आपको मैं दिखाता हूँ मैक्सिमम पर, मैं आपको लेके चलूँ तो ये जो शेयर था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करीब करीब 450-450 रुपये पर ट्रेड कर चुका है पहले। लेकिन उसके बाद से क्योंकि कंपनी पर बहुत कर्जे हुए, कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में हो गई थी। 2006 का साल था इनका, बहुत अच्छा रहा था, लेकिन 2006 का साल जब इनका खत्म हुआ, मतलब कंपनी थोड़ा दिक्कतें हुई, कंपनी में लॉस बढ़ा, उसके बाद से कंपनी का हाल बुरा चालू हुआ। उसके बाद से देखें आप लगातार कंपनी लॉस के बाद लॉस खाती गई, और आप देख सकते हैं 400 रुपये से ये आके अपना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको बताऊँ तो ये 6 रुपये 5 रुपये के शेयर पर पहुँच गया था। तो काफ़ी बड़ी दिक्कत इस कंपनी में देखने को मिली थी, लेकिन इस कंपनी ने हार नहीं मानी और दोबारा से अपने आप को इम्प्रूव किया और अपने जो था सेक्टर को बढ़ाना चालू किया, अपने सेक्टर को मतलब थोड़ा सा अपने बिजनेस को बढ़ाना चालू किया। तो इन्होंने बहुत अच्छी ग्रो करी है, लगातार ये कंपनी आगे की ओर बढ़ रही है। ये तो बात रही कंपनी का कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा है, अब कब बात करते हैं कंपनी का कैसा भविष्य है। तो कंपनी का भविष्य मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी का भविष्य इस बात को आप देखें, कंपनी जो है द कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर एल्कोहल एंड जनरेशन ऑफ पावर। तो सबसे जो मेन चीज़ है इसमें है, क्योंकि जब आपको पता है कि शुगर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो सबसे जो मेन मुद्दा है वो है इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर की वजह से क्या होता है, जो शुगर से अपना एथेनॉल बनता है, क्योंकि इन्होंने बोला एल्कोहल बनाते हैं, अपना एल्कोहल एथेनॉल भी होता है, और जो पीने वाला शुगर भी होता है, माफ कीजिए, पीने वाला जो अपना एल्कोहल होता है वो भी बनाते हैं, और अपना एथेनॉल जो कि अपने ब्लेंडिंग में काम आता है पेट्रोल की, उसमें भी ये शेयर बहुत तगड़ा जो है साबित हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि भारत सरकार ने जो घोषणा करी है किस चीज़ की, एथेनॉल ब्लेंडिंग की पेट्रोल में, तो उसके लिहाज से देखें तो कंपनी के काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि भविष्य जो है वो बायोफ्यूल का है, बायोफ्यूल मीन्स मतलब कि जो एथेनॉल का फ्यूल होता है उसका भविष्य आगे आने वाला समय होने वाला है। क्योंकि हर जो कंपनी, आपको बता दूँ, जो कंपनी पावर की कंपनियाँ हैं और जो कंपनी एनर्जी में रहने वाली है, मतलब कि वो भी कौन सी एनर्जी, जो बायोफ्यूल जनरेटेड जो एनर्जी होती है, इन सब चीज़ों में जो कंपनी इंगेज रहने वाली है, उन कंपनियों का भविष्य बहुत ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है। तो ये कंपनी जो है बायोफ्यूल एनर्जी में रहने वाली है, मतलब कि जो अपना बोले तो एनवायरनमेंट को जो प्रदूषण होने से बचाता है, उन सब चीज़ों में ये कंपनी रहने वाली है। तो ये जो शेयर है काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है पूरी तरीके से जो है अपना पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, और उसके अलावा जितना बॉस्टर हो सकेगा पेट्रोल को ब्लेंड करेंगे एथेनॉल से,
तो इसलिए जो है इस शेयर का जो है भविष्य बहुत तगड़ा होने वाला है, पूरी पक्की पक्की बात ये है। तो इस कंपनी को अगर ग्रो करना है तो ग्रो करने के लिए इनका सेक्टर तो बहुत अच्छा है, बस इनको ग्रो करना है तो क्या करना है, इनको प्रॉफिट में बने रहना है, मतलब अपने आप को बहुत सस्टेन करना पड़ेगा। क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ इनका ट्रेंड देखे फाइनेंशियली, तो ये कंपनी लास्ट ईयर से नहीं, उन्होंने अपना रेवेन्यू तो बढ़ाया है, लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, ये कंपनी लॉस में लगातार थी, क्योंकि लॉस की वजह से ये जो इन पे गाज गिरी है इतनी भयंकर, जो कंपनी का शेयर गिरा है, तो इनका रीज़न क्या था, लॉस ही था। तो लॉस देखिए लगातार कम कर रहे थे, अपने लॉस को वो लगातार कम करते करते 0.05,000 करोड़ पर पहुंच गए थे, लेकिन इस लॉस को कम और कर पाते तो आप देखें फाइनेंशियल ईयर 21 में फिर से क्या हुआ, इनका 0.29,000 करोड़ का इनका लॉस फिर से हो गया। तो मतलब कंपनी प्रॉफिट में आने के बजाय उल्टा इनका लॉस दोबारा से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये जो कंपनी दिक्कतें हुई हैं, अगर ये इन दिक्कतों को दूर कर लेते हैं, फिर इन कंपनी की जो देख लीजिएगा आप बजाज हिंदुस्तान शुगर जो कंपनी है, ये कंपनी बहुत ऊपर जाएगी, पक्का बात है ये। अगर ये इस चीज़ को अपना दूर करने वाला कंपनी डेथ फ्री अपने आप को कर लेती है, तो आप फिर देखिएगा इस शेयर को आप रोक नहीं सकते ऊपर जाने से। बस दिक्कत इनमें यही है, बाकी इसमें इस कंपनी में कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि तो इस दिक्कत की वजह से जो कंपनी में लॉस हुआ है, इनकी होल्डिंग में इफेक्ट पड़ा है, होल्डिंग क्योंकि जो आपकी प्रमोटर होल्डिंग थी बहुत कम होती दिखाई है, सारी की सारी जो है इनकी गिरवी पड़ी हुई है। तो कंपनी के कर्जे कैसे भी चुकाना पड़ेंगे, इनको चुकाने के लिए अपने होल्डिंग को गिरवी रखना पड़ा, होल्डिंग को बेचना पड़ा, तो ये सारी समस्याएं केवल कर्जे की है। अगर कर्जा अपना चुका लेते हैं फिर कंपनी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे सकती है, क्योंकि कंपनी का सेक्टर बहुत अच्छा है शुगर सेक्टर का। क्योंकि आपको बता दूं मैं, बूम कभी खत्म नहीं होगा, आगे आना वाला समय जो है शुगर के लिए और भी अच्छा साबित होने वाला है। ये आपको बता दूं कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो शुगर सेक्टर जो है बहुत तगड़ा आपका इन्वेस्टमेंट साबित होने वाला है भविष्य के लिए। आप 4-5 साल होल्ड कीजिए अपने शेयर को, जितने भी आपके शुगर के शेयर है, मैं आपको बात करूँ राणा शुगर, बजाज हिंदुस्तान शुगर, उनमें से सबसे बेस्ट जो मैं आपको लूँगा वो है आपका श्री रेणुका शुगर, उस कंपनी को अगर आप होल्ड करेंगे, और फिर सेकंड कंपनी आपको लूँगा जी बजाज हिंदुस्तान शुगर। इन दोनों आपके शेयर को अगर होल्ड करते हैं 3-4 साल, फिर आप देखिएगा आपका पैसा दुगना तिगुना कैसे भी नहीं बनता, फिर आप देखिएगा बहुत आपका पैसा बनने वाला है। क्योंकि शुगर सेक्टर बहुत तगड़ा सेक्टर है, पावर सेक्टर, शुगर सेक्टर एंड मेटल सेक्टर, ये 3 सेक्टर डोमिनेट करने वाले हैं आगे आने वाले समय, और हमेशा ये इन सेक्टरों का जो है बोलबाला रहने वाला है। और 14 सेक्टर मैं बोलूँगा फार्मा सेक्टर, ये 4 सेक्टर बहुत अच्छे आपके लिए साबित होंगे अगर आप इन शेयरों को होल्ड करते हैं। तो ये तो बात रही कंपनी का क्या भविष्य अच्छा है, तो आपको क्लियर कर दिया कि कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट कंपनी आगे आने वाले समय अपने कर्जे को जल्दी जल्दी चुका ले तो कंपनी पर देखेगा बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस देने वाली है। कंपनी को टिकना है शेयर मार्केट में तो इनकी मजबूरी है अपने कर्जे को चुकाना, अब वो कैसे चुकाएं ये आप समझे, कैसे चुकाना है इस कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे क्या इनको आगे का काम करना है। अब हम चलते हैं कंपनी के आगे के क्या टारगेट्स है, तो उसके हम आ गए हैं टेक्निकल चीज़ पर। तो टेक्निकल देखें तो इसमें बहुत तगड़ी तेज़ी आई थी, कि ऑलमोस्ट 10 रुपये के लेवल से कहाँ पहुँच गए थे, 23 रुपीज़ के लेवल पर पहुँच गए थे, इन्होंने अपना हाई बनाया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 23 रुपये और 40-50 पैसे के आसपास का। उसके बाद से फिर देखें, इसमें मैंने आपको बोला था कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, क्योंकि जो छोटे से जो शेयर होते हैं पेनी स्टॉक्स होते हैं उसमें जो सबसे अच्छा आंकड़ा मैं बोलूँ जो बताता है कि अब गिरावट का समय आने वाला है वो होता है अपना RSI। तो RSI देखिए बहुत ज़्यादा पहुँच चुका था, जब जब RSI इसका 85-90 के आसपास पहुँचा है तब तब इसमें गिरावट देखने मिली है। फिर देखिए यहाँ पे आप देखें ऑलमोस्ट RSI इसका 90 के आसपास पहुँच गया था, क्या हुआ था गिरावट देखने मिली थी, ये देखिए गिरावट आई। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे भी RSI 85 के आसपास पहुँच गया था, फिर क्या हुआ गिरावट देखने मिली। तो हमने आपको एक लेवल दिया था 17.80 रुपये का, इस लेवल को इसने बहुत अच्छा सपोर्ट काम किया है, इस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा पाया। तो हमने आपको ये आपका फ्रेश बाइंग का ऑप्शन भी दिया था, और हमने आपको बोला था कि आपको ऊपर के लेवल बार बार बाई नहीं करना, ऊपर का लेवल आपके लिए सतर्क मोड है, यहाँ बाई नहीं करना है, आपको यहाँ बाई करना है। तो जिन लोगों ने यहाँ बाई किया तो वो बहुत फायदे में रहने वाले हैं, आपको जो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरह से ये पैसा बना के देने वाला है। तो आपका जो सपोर्ट जो था मैंने दिया था बहुत अच्छा काम किया, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चलना चालू हुआ, आप देख सकते हैं ये सपोर्ट ऊपर लेके चलना चालू हो गया है। तो इसमें जो अपना नेक्स्ट टारगेट है जो उसका जो मतलब इसका नया स्टॉप रहने वाला है, नेक्स्ट स्टॉप जो है इसका अब 23.10 रुपये का टारगेट अचीव करने की ओर भागने वाला है, बहुत जल्दी ये आपको टारगेट अचीव होता हुआ मिलेगा। अभी जो है थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन का फेस चलने वाला है, क्योंकि बहुत तेज़ी आई थी, तेज़ी का क्या होता है गिरावट आती है फिर हल्का सा कंसोलिडेट करके शेयर ऊपर जाते हैं, अब क्या होने वाला है इसमें हल्का सा कंसोलिडेट करके और ये अब ऊपर की ओर भागना बहुत जल्द चालू होने वाला है। तो आपका टारगेट जो रहने वाला है वो 23.10 रुपये और टारगेट नंबर 2 28.10 रुपये और 31 रुपीज़ आपका टारगेट नंबर 3 रहने वाला लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि आपको अगर शेयर को होल्ड करना है कम से कम 8 महीने 10 महीने तो आपका टारगेट रहेगा 31 रुपये का। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप उसको होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, मेरी आपको यही सलाह है, जितना ज़्यादा आप उसको होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा
और आपको अगर शॉर्ट टर्म में इसको होल्ड करना है तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलिएगा, क्योंकि अभी तो आपको बाइंग करना सही समय है, मतलब कि आप थोड़ा सा कंसोलिडेट खत्म हो जाए तब आप इसको बाई कर सकते हैं इस लेवल पर 70 रुपये 80 पैसे के इस लेवल पर, मतलब 70 रुपये के आसपास के लेवल पर आप बाई कर सकते हैं। और इन टारगेट को, मतलब कि इन जो लेवल आपको दिए हैं इनको आप ध्यान रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। आपको सही टाइम पर निकलना भी सीखना होगा। मैं आपको नई नई वीडियो बना के लेता हूँ कि आपको कब निकलना है। अभी आप इसमें तेज़ी आने दीजिए, जब इसका निकलने का टाइम आएगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हाँ अब इसमें निकलने का टाइम आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग करना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है छोटे स्टॉक में, अगर आप शॉर्ट टर्म में खेल रहे हैं तो। शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है सही टाइम पर निकलना और सही टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग करना। मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो अभी आपका फ्रेश बाइंग का सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें 70 रुपये 80 पैसे के आसपास के लेवल पर आप बाइंग कर सकते हैं, और आप इसमें होल्ड करके बैठिए, आपको पैसा इससे 3 महीने 6 महीने आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार हम पर बनाए रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड थैंक यू।